दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 8th क्लास के मैथ एक्सरसाइज 6.1 सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया है कि एक्सप्रेस 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, यानी कि 7 ऑड नंबर में आपको एक्सप्रेस करना है और 49 आपको आना चाहिए। ठीक है, 49 पूरे 7 ऑड नंबर को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें जो 49 है वो किसका स्क्वायर है, ठीक है, वो है 7 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप 7 का स्क्वायर कर देते हो तो कितना आ जाता है, 49, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 49 आ जाता है। लेकिन हमें पता कैसे चला कि 7 आएगा, या अगर हमें पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, 49 का एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, जिसका भी हमें स्क्वायर रूट पता करना हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2 के टर्म 49 आता है, नहीं आता है, ठीक है, 3 के टर्म में नहीं, 4 के टर्म में नहीं, 5 के टर्म में नहीं आता है, 6 के टर्म में 49 नहीं आता, तो 7 के टर्म में 49 आता है। तो 7 7 में कितना हो जाएगा, 49, और 7 1 में कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकाला, 49 का एलसीएम निकालने पर आंसर कितना है, 7 मल्टीप्लाई 7 आया। तो दोनों का जोड़ा बना देंगे, पेड़ बना देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 7। तो इसका मतलब यही हुआ कि 49 का जो रूट है उसका रूट कितना है, वो 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, 7 ऑड नंबर में इसको लिखना है 49 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3। ठीक है, 7 ऑड नंबर जो 2 के टर्म में नहीं आता है, ठीक है, जो 2 के टर्म में नहीं आता है, ठीक है, तो कितना आएगा, ये 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस का 5 हो गया, प्लस का 7 हो गया, ठीक है, प्लस 9 हो गया, फिर उसके बाद 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, फिर उसके बाद 13 हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 7 हो गया। हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, ठीक है, हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, हमें पूरे के पूरे 7 ऑड नंबर तक जाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक है और 7 ऑड नंबर है। ठीक है, आप इन दोनों का अगर प्लस करेंगे, ठीक है, इस पूरे सीरीज को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 49 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम नीचे वाले नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वही करना है। ठीक है, 129 ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, 129 जो स्क्वायर है वो 11 का स्क्वायर है। ठीक है, 11 का स्क्वायर, ठीक है, आप मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये 121 जो है वो 2 के टर्म में नहीं आता है, 3 के टर्म में भी नहीं आता है, 4 के टर्म में भी नहीं आता है, सीधा ये 11 के टर्म में आता है। 11 का टर्म 11 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, फिर 11 बन जाए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 121 कितना हो जाएगा, 11, तो ये 121 कितना हो गया, 11 मल्टीप्लाई 11, तो दोनों का जोड़ा बना दे कितना आ जाएगा, 11, तो यानी कि इसका रूट कितना हो गया, 121 का जो इसका रूट हो गया वो कितना हो गया, 11, ठीक है, होता है, ठीक है, 11 होता है। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके देख सकते हैं, दोनों का जोड़ा बना दिया तो 11 ही तो आया। ठीक है, 121 का जो स्क्वायर रूट कितना होगा, वो 11 होगा। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ, अब इसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे जो सीरीज हम लोग पढ़ लिखी थी। ठीक है, 121, ठीक है, अब हमें कहाँ तक जाना है इसको, ठीक है, अब ये हमें इसको लेके जाना है 11 ऑड नंबर तक। ठीक है, 11 ऑड नंबर तक जाना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ठीक है, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 11। ठीक है, कितने 11, कितने ऑड नंबर है, ठीक है, टोटल 11 ऑड नंबर है। ठीक है, इसको लगा लेता हूँ सही से, वो दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, उसके बाद 7, ठीक है, 9 11 13 17 19 20 1। ठीक है, इस तरीके से टोटल कितने ऑड नंबर हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, टोटल जो ऑड नंबर लिखे हैं वो 11 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, और ठीक है, कितना हो जाएगा, 21 22 23। ठीक है, तो टोटल हमने कितने ऑड नंबर लिखे, 11, ठीक है, यानी कि 11 ऑड नंबर लिखेंगे। आप ये सबको अगर प्लस करोगे, सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 121 आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, नमस्ते दोस्तों, ये सवाल इसी तरीके से होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।